राम राम जी। आज आप लोग का स्वागत है राजा जी के ढाबा में। आज मैं आप लोग का साथ शेयर करने जा रहा हूँ एकदम हेल्दी रेसिपी, लौका घिया जो भी आप बोलते हैं, और इसके साथ हम काला चना मिक्स करके बनाएंगे। हमारे घर में तो हफ्ता में एक बार बन ही जाता है, गांव में भी बनता है। तो आपको इस तरह से लौकी की सब्ज़ी बनाना है, हेल्दी और बच्चों को भी पसंद आएगा ये सब्ज़ी हमारे तरीके से बनाएं। मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमें फॉलो कीजिए। अगर यही वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लाइक तो बनता ही है। अगर हमारी कोई भी रेसिपी आप बनाते हैं उसकी सामग्री चाहिए तो आप मेरा वेबसाइट है राजा जी का ढाबा.com, वहाँ पर विजिट करके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो गया है, आप वहाँ से सामग्री ले सकते हैं। तो चलते हैं घिया चना की सब्ज़ी बनाने। देखिए हम 3 किलो घिया लिए हैं और इसमें 250 ग्राम चना भिंगो के लिए हैं, रात भर भिंगो दिए हैं चना को। आप चाहें तो चना थोड़ा घटा बढ़ा सकते हैं। लौकी को हम छील लेंगे और छील के बारीक बारीक काट देंगे। घिया की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने कढ़ाई ले लिया है और कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। तो 3 किलो घिया के लिए हम 200 ग्राम सरसों का तेल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसी में हम तड़का में जो जीरा, तेजपात और लाल मिर्चें लिए हैं वो हम डालेंगे। हम सब्ज़ी को स्पाइसी बनाने के लिए इस तरह से हम मसाला डाल के बना रहे हैं ताकि सब्ज़ी, घिया की सब्ज़ी भी स्पाइसी बहुत बढ़िया बनता है। तेल हमारा गर्म हो गया, यहीं पर हम तड़का डाल देंगे। ये देखिए तड़का हमारा तड़क गया है, यही डाल देंगे हम प्याज। और प्याज को भी 2 मिनट हम भून लेंगे। ये देखिए हम प्याज को 2 मिनट भून दिए हैं तो इसी में डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट को भी हम 2 मिनट भून देंगे। यहीं पे हम डाल देते हैं घिया और चना दोनों। ऐसा नहीं गिरेगा, पकड़ा नहीं जा रहा।
ये देखिए सब्जी को हम चला देंगे, और यहीं पे हम मसाले डाल देते हैं। सब्जी को हम ऐसी बिना ढक्कन बंद किए ही 2-4 मिनट भून देते हैं, और यहीं पे हम नमक डाल देते हैं। यहीं पे हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। आप नमक कम डालें क्योंकि ये गल जाता है घिया, आप बाद में भी डाल सकते हैं नमक इसको पकने के बाद भी। इसका फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और इसको ढक के 10 मिनट तक पकाएंगे। बीच में आप ढक्कन हटा के चेक भी कर सकते हैं कि हमारी सब्जी नीचे से जल तो नहीं रही है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी पानी घिया नहीं छोड़ता है तो सब्जी जलने लगती है, अगर पानी छोड़ दिया तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपकी ये घिया की सब्जी पानी नहीं छोड़ती है ना, तो उसको पकाने के लिए थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं आप, अगर पानी छोड़ दिया तो कोई बात ही नहीं है। तो इसको ढक के 10 मिनट पका देते हैं हम। ये देखिए हमारी घिया चने की सब्जी बन के तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसका पानी थोड़ा सा गला दें। इसमें हमने आधा मग्गा पानी डाल रखा था, और देखिए आपको सर्व करके दिखा रहे हैं इसको। पानी आपको और भी गलाना है तो सुखा सकते हैं, अगर थोड़ी सी पानी रखनी है तो रख सकते हैं। ये देखिए हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई। अगर घिया चने की वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आप रेसिपी की कमेंट करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी अपलोड करें। आपका पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी।